press the bell icon on the YouTube app and never miss. अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी। और ये दोनों चर्चा करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे और खासकर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उस पे, और इसका इलाज बताएंगी नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। सरकार से शिकायत थी, सर्वोच्च न्यायपालिका बांग्लादेश से शिकायत थी, आइस्कॉन टेम्पल क्यों तोड़े तुम? क्यों तोड़े? वो आइस्कॉन टेम्पल जो सोशल वेलफेयर कर रहा था और अरबों रुपए मुसलमान छात्रों को भी दे रहा था। भंडारा जब बन रहा था तो सिर्फ हिंदू नहीं खा रहे थे उसमें, उसमें मुसलमान भी खा रहे थे बैठ करके। वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों बच्चियों की फीस दे रहा था शिक्षित होने के लिए, वो आइस्कॉन टेम्पल जो लाखों मुसलमान बेटियों की भी शादी करवा रहा था और उनके इस्लामिक हिसाब से करवा रहा था, अक्सर पैसे से मदद करके, आपने उसको तोड़ दिया, आपने उसको जला दिया, रेप किया है और रेप करके उसका वीडियो भी बनाया है, वो विजुअल भी मेरे पास है शैला, आप नहीं दिखा पाइएगा चैनल पे और आप खुद भी नहीं देख पाइएगा। जिस हिसाब से एक छोटी बहन को कॉर्नर में बैठा करके बड़ी बहन का रेप किया है, कल की बात है, और फोटो खींचा है, उसके बाद फिर हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते हैं ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया, हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा लिया है और जमायत इस्लामी ने बिहाइंड द कर्टेन अपने काम को अंजाम दे दिया है। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? रेप करना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? किसी के धार्मिक स्थान को जला देना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? 5 साल की बच्ची का प्रचार क्या होता है कि बहु बेटियों के सलवार उतारना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है कि सुन्नत रसूल की दाढ़ी रख करके अपने पूर्व प्रधानमंत्री का ब्र हवा में उछालना। इस्लाम का प्रचार क्या होता है? शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर मूतना, खुलेआम मूत रहा है कैमरा के सामने और हंसी मजाक कर रहा है, ये इस्लाम का प्रचार है? सारे सारे लड़कों के चेहरे पर सुन्नत रसूल की दाढ़ी है, कुर्ता पहना हुआ है, हरा हरा झंडा लगाया हुआ है माथे पर, और क्या कर रहा है? रेप। और क्या कर रहा है? वर्जाइना काट रहा है। और क्या कर रहा है? हत्या। और क्या कर रहा है? जिंदा पुरुषों को जला रहा है। यही है इस्लाम का प्रचार, ये है इस्लाम का प्रचार। बहुत गलत मैसेज जा रहा है, सही बात है नाज़िर जी। यहाँ पर एक ये भी सवाल है कि जिस तरह से ये जो मामलात हैं, जैसे आपने कहा कि वो एक इस्लामी और सनातनी वॉर के बीच हमें होते नज़र आ रहे हैं, तो क्या इस मामले में जिस तरह से भारत हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, तो क्या वहाँ के हिंदुओं को अब भारत जो है अपने मुल्क के अंदर पनाह देगा या फिर भारत की जानिब से कोई इस तरह के एक्शंस लिए जाएंगे? क्योंकि स्टिल आज भी अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी देखें तो वो ये कह रहे हैं कि हम शेख हसीना के साथ नहीं, हम बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। तो भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो नेशंस को और कंट्रीज को बहुत ज़्यादा ओपनली सपोर्ट कर रही है, तो इस मामले में जो शायद हमें किसी ने बांग्लादेश से भी ज्वाइन किया हो, शायद कोई बांग्लादेशी हिंदू भी हमारे शो को देख रहा हो, तो इस मामलात में वो अपनी सेफ्टी कैसे करे? और क्योंकि पूरी दुनिया में सनातनियों के लिए एक ही महफूज मुकाम है, वो भारत है, तो भारत ये जो बिगड़ते हुए हालात है इसमें भारत का बहुत ज़्यादा अहम रोल, अगर मैं कहूँ कि बैकबोन का रोल भारत प्ले कर सकता है, कैसे कर सकता है, और आगे की जो जिस तरह की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं इनसे अब कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो भारत का एक अहम रोल था, एक अहम रोल था बांग्लादेश बनाने के लिए, और गाहे बगाए कभी हमने अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी देखा कि वो शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से बहुत मधुर रिश्ता रखे,
और गाहे पगाहे आज तक हम देखते आए हैं कि बांग्लादेश से भारत के जो रिलेशन रहे हैं वो कोई बायलेटरल और ट्रेड के सिर्फ रिलेशन नहीं रहे हैं, बल्कि एक पारिवारिक रिलेशन रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि 1971 में कांग्रेस से हुई हुई गलती को अब सही करना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में जोड़ लेना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा मैं ये कहूंगी कि आज भारत की सेना इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है। भारत के फॉरेन पॉलिसीज जो है और रिलेशंस जो है वो इजराइल के साथ है, वो रशिया के साथ है। और मेरा दावा है और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जो भारत का ही समर्थन करेंगे अगर हम बांग्लादेश अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले NRC इंप्लीमेंट करके भारत में घुसे हुए घुसपैठिया जिहादी टेररिस्ट और तिनफुटिया मौलाना लोगों को यहां से कॉलर पकड़ करके घसीट करके फेंक देना चाहिए। अब उसको पाकिस्तान रखे, सीरिया रखे, अफगान रखे, तेहरान रखे, ईरान रखे और कोई ना रखे, वो हवा में झूले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या ही पता, क्योंकि हमारा आंकड़ा क्या आ रहा है कि घुसपैठिया का 5.5 करोड़ से ऊपर घुसपैठिया मुसलमान यहाँ पर घुसे हुए हैं जो बांग्लादेशी। अब उसमें क्या पता कि वो जमाते इस्लामी के लोग हों, उसमें क्या पता कि नाहिद हसन जैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट के लोग हों, उसमें क्या पता कि लश्कर ए तैयबा के लोग हों, उसमें क्या पता कि चाइना के स्लीपर सेल भी उसमें हो। तो इसमें चुनना बहुत मुश्किल है, छांटना बहुत मुश्किल है। सो इट्स बेटर कि जो घुसपैठिया घुसे हैं मुसलमान और जितने भी मुल्ला मौलवी मुसलमान बांग्लादेश के यहाँ घुसे हैं, उनका कॉलर पकड़ करके घसीट करके उनको बाहर फेंको। और 1 करोड़ से ऊपर जो हिंदू बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहे हैं और 3,000 से ऊपर हिंदू जो मर चुके हैं, अब बाकी के हिंदुओं को बचाने के लिए इमीडिएट अपनी सेना को भेज करके भारत में उनको लेकर के आया जाए और अपनी सेना के, भारत की सेना के मार्फत बांग्लादेश को भारत का अंग बनाया जाए, भारत का अटूट हिस्सा बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि हमारा ब्लूप्रिंट, हमारी स्ट्रेटजी, हमारे सारे जो रूट, जो होमवर्क है वो पीओ के लेने के लिए है। मैं मानती हूँ इस बात को और हम उस पर बहुत होमवर्क कर रहे हैं, हम उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और पीओ के की तरफ से नारा भी लग रहा है कि वो भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। पर अगर इमीडिएट और इंस्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ गया है और जिहाद का असली चेहरा भी समझ में आ चुका है, सो इट्स बेटर कि पीओके का काम तो चल रहा है, साथ साथ भारत की सेना से बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा बनाने का की पूरी होमवर्क तैयारी कर लेनी चाहिए। मतलब आप सिग्नेचर कर रही हैं वो अशोका सिविलाइजेशन जो पार्लियामेंट के अंदर लगी है, अखंड भारत, जिसपे हम अक्सर बोलते हैं कि भारत अखंड भारत की बात क्यों करें, आखिर उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है। लेकिन खैर ये तो एक हमने देखा है। देखिए हमने तो जमाते इस्लामी को नहीं बोला था ना कि आप स्टूडेंट की शक्ल में आप जिहादी उतारिए, हमने तो नहीं कहा था ना के देश के प्रधानमंत्री का ब्रा आप हवा में लहराइए, हमने तो नहीं कहा था ना। बहुत बड़ी बात। खुद वहां के मुसलमान अगर अपने आप को इंसान के बजाय ज़ॉम्बीज दिखा रहे हैं तो अब ऐसे में कमर कसने का वक्त आ चुका है, अब ऐसे में उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ चुका है। और बार बार जो भी भारत के भूमि से मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में 1971 में गलती हुई थी, उस वक्त बांग्लादेश को हमें अपने हिस्से में ले लेना चाहिए था। मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि सही समय है, सही वक्त है, सेना उतारी जाए, डिफेंस भी चौथे पोजिशन पर है और वो जो पहले गलती हुई थी उसको सुधार लिया जाए। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोई बड़ा मुल्क छोटे मुल्क को नहीं खा सकता, क्योंकि हमने देखा है यूक्रेन और रशिया के मामले में 2 साल पूरे होने वाले
क्या रशिया ने यूक्रेन को कब्जा कर लिया, नहीं किया ना, लेकिन खैर ये एक कहते हैं ना एक सॉफ्ट जो है ना डिप्लोमेटिक पावर होती है जो कि एक्चुअली इंडिया के पास है भी, और वो इन चीज़ों को टैकल भी कर सकता है। एंड पाकिस्तान की जानिब से इस पर ये स्टांस है कि बांग्लादेश ने हमारे साथ किया था, आज बांग्लादेश अपनी आग में खुद जल रहा है। सो कहीं ना कहीं पे एक कहते हैं ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी आ रही है, लेकिन जहाँ कहीं रिलीजियस मैटर हो, सनातनियों का ताल्लुक हो, मुसलमान का ताल्लुक हो, या जैसे नाजिर जी ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो स्टूडेंट का मामला था ना, तो फिर ये एक हिंदू और मुस्लिम के बीच कैसे पहुँच गया, कोई तो है जो भड़का रहा है, कोई तो है जो हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, और इसके ऊपर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी, और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है सबको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो हिंदुओं का जेनोसाइड है वो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको नाजा जी की राय और उनकी प्यारी प्यारी बातें बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजा जी, थैंक यू, वंदे मातरम भारत माता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया इलाही खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने बात की बांग्लादेश में जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उस पे, और ये सोल्यूशन दिया कि इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में जाना चाहिए और वहां पे जो हिंदूज हैं उनको रेस्क्यू करके लाना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।